ये है महर्षि वशिष्ठ जी का मंदिर। हॉट स्प्रिंग में मैं आपको लेके नहीं जा सकती, काफी भीड़ लग रखी है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वशिष्ठ से। वशिष्ठ जो है मनाली का बहुत ही फेमस मंदिर है, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है, आप लोगों ने सुना ही होगा। लोगों को भी दिखाई देती हूँ जब मैं आई हूँ। तो अभी आपको लेके चलती हूँ मैं मंदिर के अंदर और दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसी जगह पे हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर में आपको नीचे लेके चलेंगे, क्योंकि आज तो वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था व्लॉग करने का, मगर मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। देखो मैं आप लोगों के लिए क्या क्या करती हूँ, मगर आप लोग मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिखाते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है यार गाइस, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। सब बातों को परे छोड़ते हैं और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मंदिर कैसा दिखता है और मैं कैसी जगह पे हूँ, किस चीज़ के लिए फेमस है। एवरीथिंग इन दिस ब्लॉग, स्टे ट्यून्ड। ये है महर्षि वशिष्ठ जी का मंदिर, विच इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना सारा क्राउड आ रखा है। इस टाइम पे इतना क्राउड एक्सपेक्टेड नहीं था वशिष्ठ वाले एरिया में, ये देखो। तो अभी मैं अंदर आपको मंदिर के लेके चलती हूँ। और जो हॉट स्प्रिंग है वो यहाँ पे है, इस साइड लेडीज के लिए और उस साइड मेंस के लिए। यहाँ ऊपर भी मंदिर है और यहाँ पे कैफे वगैरह होटल वगैरह के लिए जाता है। तो अभी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। अंदर से ऐसा दिखता है और यहाँ अच्छी आर्किटेक्चर ही कर रखी है मंदिर पे, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। भीड़ लग रखी है, आई डोंट नो शूटिंग अलाउड है या नहीं, मगर मैं जाती हूँ। तो गाइस दर्शन तो मैंने कर लिए, बट शूटिंग वॉज नॉट अलाउड एज आई टोल्ड यू। तो हॉट स्प्रिंग में मैं आपको लेके नहीं जा सकती, बिकॉज अंदर फीमेल्स वगैरह जो होती है वो बाथ वगैरह ले रही होती है, सो देयर आई कैन नॉट टेक यू। तो एरिया तो काफ़ी सुंदर है गाइज, और वशिष्ठ फेमस ही हॉट स्प्रिंग के लिए है, और कहते हैं कि हॉट स्प्रिंग में नहाने से बीमारियाँ वगैरह दूर हो जाती है, जो यहाँ के लोग मानते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं भी काफ़ी बार नहीं हूँ, बट एनीवेज गाइज अभी निकलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जोगनी का ट्रैक कहाँ से जाता है। शाम हो गई है तो जोगनी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिर का बाहर वाला एरिया है, कुछ ऐसा दिखता है, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। और ये वाला जो रास्ता है ये जोगनी के लिए जाता है। वैसे तो जोगनी के लिए दूसरा रास्ता भी जाता है, मगर आप लोग इस साइड से जाना चाहते हो तो इस साइड से भी जा सकते हो। अभी चलते हैं नीचे। तो गाइस मंदिर के पास में ही मार्केट है, यहीं से मार्केट शुरू हो जाती है। जैसे ओल्ड मनाली का मार्केट है वैसे यहाँ का मार्केट है। ये पूरी वशिष्ठ की मार्केट है नीचे तक। अभी मैं लकीली सेटअप लेके आई हूँ, तो आप लोगों को बाइक पे जाते जाते बताऊंगी। मैं निकल चुकी हूँ वशिष्ठ से और ये है पूरी वशिष्ठ की मार्केट, और यहाँ पे लग रखा है ट्रैफिक। तो गाइज इस टाइम पे वशिष्ठ में जो ट्रैफिक है अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज इस टाइम पे इतना ट्रैफिक होता नहीं है। मैं पहले भी आई हूँ इस टाइम पे वशिष्ठ में, तो वशिष्ठ के लिए गाइज चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई है। वैसे तो मैं आज व्लॉग नहीं करने वाली थी, मैं सिर्फ दर्शन करने आई थी। लकीली मेरा सेटअप भी पड़ा हुआ था, मैंने सोचा आई हूँ तो आप लोगों को भी साथ में दर्शन करा ही दूँ। तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम वशिष्ठ में यही है कि पार्किंग जो है आसानी से मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है पार्किंग ढूंढना यहाँ पे। व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं वैसे इस एरिया से, और मार्केट एरिया तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गाइस ये है एंडिंग मार्केट की, अगर आ रहे हो तो स्टार्टिंग और जा रहे हो तो एंडिंग। और बीच में रास्ते का काम भी चल रहा था तो वहाँ पे भी ट्रैफिक लगा हुआ था। आज ठंड जो है बेयरेबल है, ज़्यादा नहीं है, और ग्लव्स मैंने इसलिए उतार रखे हैं गाइस क्योंकि ओल्ड मनाली से जो है नीचे की तरफ आते वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है रास्ते में, और हाथ में दर्द हो जाती है ग्लव्स के साथ, तो इसलिए मैंने जो है ग्लव्स उतार दिए। तो आज का व्लॉग ऐसे ही थोड़ा सा सिंपल सा होने वाला है क्योंकि अनप्लान्ड व्लॉग है। और यहाँ पे ट्रैफिक लगा था आती बार बिकॉज काम चल रखा है, और लेन काफ़ी ज़्यादा पतला है तो आप लोग देख सकते हो। और एक और चीज़ गाइज, यहाँ से जो व्यू है ना ब्रिलियंट है, ये देखो ये पूरा यहाँ से ऐसा व्यू आता है। शिष्ट में गाइज रहने का फ़ायदा यही है कि पूरा मनाली आपको दिखेगा, सोलंग वाला रोड आपको दिखेगा। माइनस पॉइंट ये है कि मार्केट वगैरह जो है वो काफ़ी जल्दी बंद हो जाती है। चलो चलो चलो, क्या हो गया भैया? अभी मैंने वशिष्ठ रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं देखा है गाइस, एक्सेप्ट गर्मियों के टाइम। इस बार तो हर जगह पे ही ट्रैफिक है क्योंकि गाइस न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, सो उसी के करके काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रखा है, वही रीज़न है ट्रैफिक का।
पता नहीं किस खुशी में गाड़ी वगैरह फंसा के रख रखी है इन लोगों ने। ये भाई जी पता नहीं कहाँ चले हुए थे। आप सर्दियों के टाइम पे आ रहे हो तो आप लोग वशिष्ठ में रुक सकते हो और वहीं पे जाके हॉट वाटर बाथ भी ले सकते हो। मेन रोड पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। थोड़ी सी ठंड जो है लगना शुरू हो गई है क्योंकि शाम हो गई है। आज ठंड फिर भी बेरेबल थी, वरना बाकी दिनों में तो बिल्कुल भी बेरेबल नहीं रहती है ठंड। तो गाइस बाइक पे होने का सबसे बड़ा सुख ये है कि निकल जाती है आराम से ऐसे ऐसे ट्रैफिक्स में। अगर आगे पुलिस वाले भैया हुए तो मेरा निकाल देंगे सब कुछ। ये लेन खुली है ना गाइस, मुझे लगा मुझे रोक रहे हैं गाइस। इस ट्रैफिक की वजह से ना जाने कितनी बार लेट हुए, कितनी बार फंसे, मगर अब क्या कर सकते हैं। पर बाइक का यही तो सुख है ना। पता नहीं मनाली में इतना ट्रैफिक क्यों है, मेरे को समझ नहीं आता। पूरा दिल्ली होते जा रहा है दिन ब दिन। ये भी सही है, टूरिज्म जो है बढ़ावा मिल रहा है, विच इज़ गुड। आके ट्रैफिक लग रखा है, दबा के जिसको बोलते हैं ना। पे जाना है, बाइक खड़ी करते हैं कहीं पे, घुसते हैं मार्केट वाले एरिया में और कल गाइस वापस चले जाएंगे। बाय बाय बोल देंगे मनाली को। व्लॉग्स पता नहीं कब कब कैसे कैसे आने वाले हैं, आई हैव नो आइडिया, तो एडजस्ट कर लेना। हमें 15-20 मिनट रुक के रखेंगे। यही हो गया यहाँ पे ड्रामा, चलते नहीं है गाइस, तंग करते हैं। तुझे दिख रहा है ना, तब भी तू आ रहा है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। आप भी बोलोगे क्या सिमरन हर ब्लॉग में ट्रैफिक दिखाती रहती है। अब ट्रैफिक है तो मैं ट्रैफिक ही दिखाऊंगी गाइस। खाली आने का जी तो करता है बट फिर याद आता है ट्रैफिक, भीड़। सो गाइस फाइनली मॉल तो पहुंच गई हूँ, मगर यहाँ पे इतनी भीड़ है न्यू ईयर की खुशी में कि पैर रखने की जगह नहीं है। मैं आप लोगों को चहल पहल दिखा देती हूँ कि कैसी है। और अभी मैं यहाँ पे फूड स्टॉल में हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे सारा लोकल खाना मिलेगा आपको। सो गाइस कुछ ऐसा लग रहा है फूड कोर्ट जो है। अभी मैं जस्ट कचौरी खा के आई हूँ और यहाँ पे पूरा कचौरी वगैरह सिड्डू वगैरह सब लोकल फूड यहाँ पे पीछे फूड कोर्ट के पास मॉल के साइड में मिल जाएगा आप लोगों को अगर खाना है तो। अभी आपको दिखाती हूँ मॉल पे कितनी भीड़ है। ये देखो गाइस, ये है भीड़ मॉल पे। और मॉल को बिल्कुल डेकोरेट करके रखा है क्रिसमस न्यू ईयर वगैरह के लिए, विंटर कार्निवल वगैरह होने वाला है। ये देखो बिल्कुल भी जगह नहीं है गाइस, इतना खचाखच भर रखा है। आ तो मैं गई मगर अब मैं सोच रही हूँ मैं निकल ही जाऊँ, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मॉल कैसा लग रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और मैंने गाइज एक वीडियो शूट किया था, मैं एक लोकेशन पे गई थी और मेरा जो माइक है बिल्कुल बंद पड़ा है, उसमें कुछ वीडियो उसमें मतलब एडिट करने के लिए बचा ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसे मन छोटा नहीं करते, आज गई थी तो मैंने वीडियो शूट कर लिया और कल हम वापस जा रहे हैं तो आपको अब वापसी की वीडियो देखने को मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।